अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसा? तो उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज जो है मैं आपको फॉर्मल लेटर्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है इस बार, जो कि समझे सब आपको पता है। एमसीक्यूज 50% है, सही है। फिर उसके बाद क्या नाम है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमारे 30% है, एंड 10-20% जो हमारा बेस कर रहा है वो लॉन्ग पे। और लॉन्ग हमारे क्या है, लॉन्ग हमारे हैं शॉर्ट नॉट लेटर। तो हम इन दोनों को अपनी तरफ से बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको एक चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, उसका जो है लॉन्ग निकालने पड़ेंगे, शॉर्ट निकालने पड़ेंगे, या एक्स्ट्रा कल्चर जो करना पड़ेगा। इसके अंदर हम शॉर्ट नॉट जितनी चाहे अपनी तरफ से लिख सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, बस हमें मालूम होनी चाहिए और इंग्लिश अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। और जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस कहना में इंग्लिश की बुक जो हमारी टैक्स एडिटेड न्यू आई है, टैक्स एडिशन, इसके चार हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मॉडल पेपर के अंदर भी यही आए हैं। तो हमें आइए कि जब इन्होंने यही दिया तो समझे इन चारों में से कोई एक दो इधर है और बाकी दो अगले चैप्टर के अंदर है। तो मैं आपको एक एक करके इन समझाऊंगी, एक ही दफ़ा समझाऊंगी और आप एक दफ़ा पढ़ेंगे और इन्हें याद हो जाएगा। तो सबसे पहला है कि अगस्त 1981। अच्छा, आप जब लेटर लिखते थे तो यहाँ लिखते थे सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल, स्कडी स्कूल, मतलब कुछ भी था ये वो फलाना ढिमका। अब इन्होंने क्या करा है कि ये एप्लीकेशन की तरह, पर यहाँ टू द हेडमास्टर ऑक्सफोर्ड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है बीसी स्कूल, बल्कि यहाँ डायरेक्ट अगस्त पहले डेट डाली, फिर एडिटर लिखा, डेली डॉन, फिर कराची, फिर सब्जेक्ट, फिर डी एस आर, इन्होंने बातें सारे बिल्कुल लेकिन लाइन में जी लाइन। तो ये है हमारा कंप्यूटर पैटर्न, यानी कि जब हम किसी को ईमेल से एंड करते हैं या किसी को कंप्यूटराइज या फिर मैसेज में टाइपिंग करते हैं, तो जैसे हम कितना स्पेस डालेंगे, ओहो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ओहो इसमें कम हो गया, यहाँ से थोड़ा सा और ज़्यादा करो, यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया, ये इन कन्फ्यूजन आ जाती है। तो अगर वो लोग लिखे थे बाकायदा के हैंड राइटिंग बाय हैंड राइटिंग, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। और अगर वो कुछ ना लिख के दें तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर कंप्यूटराइज लिख के दें तो आपको कंप्यूटराइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करती हूँ समझाना कि जो अगस्त द एडिटर डेली डॉन कराची, अच्छे डॉट कॉम है, अगर आपने डॉट कॉमन नहीं लगाया किसी में तो आपकी पूरी की पूरी रॉन्ग हो जाएगी, वो एल लेटर, सही है। उसके बाद उसमें सबसे मेन जो मसला होता है कि आपको आपका ये पैटर्न लिखा जाता है, अगर आपने पैटर्न इधर से उधर कलर लिख दे, कुछ लिखना भूल गए, तो आपका पूरा पैटर्न रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आपने बीच में गलत मिस्टेक करी है, और अगर आपका पैटर्न बिल्कुल सही है, तो आपको पूरे ही पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि वो लोग अंदर नहीं देखते, अंदर का चेक नहीं करते कि अंदर आपने क्या मवाद डाला, कितनी बड़ी लिखा, बस उन्हें ये चाहिए कि उन्हें लेटर है तो बड़ा होना चाहिए, एप्लीकेशन है तो छोटा होना चाहिए, ऐसे है तो वो दो पेज का होना चाहिए लाजमी, 2 से 2.5 पेज का, बस वो लोग ये चेक करते हैं अंदर का मवाद। जाहिर सी बात है इतनी सारी कॉपीज़ होती हैं, इतना कम टाइम होता है, वो लोग कहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा ये जो लेटर है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट का है। डियर सर, इन पाकिस्तान हंड्रेड ऑफ पीपल्स डाई एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट, द मीडिया एंड द गवर्नमेंट फोर्स अ लॉट आर टेररिज्म आउटब्रेक ट्रैफिक एडिशन एंड आर मोर कॉमन एक्ट्स ऑन टेररिज्म, यानी कि कह रहे हैं कि इन पाकिस्तान के अंदर 1000 से ज़्यादा पीपल जो है वो एक्सीडेंट के अंदर मर जाते हैं, जो कि मीडिया और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस टेररिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा उनकरा, लेकिन पर फिर भी जो है लोग जो है इसका कोई रद्द अमल नहीं निकला। द मेन रीज़न ऑफ एक्सीडेंट आर पुअर कंडीशन ऑफ व्हीकल्स, वॉलीशंस एंड ट्रैफिक रूल्स, यूज ऑफ मोबाइल्स वाइल ड्राइविंग, अंडर एज चाइल्ड ड्राइविंग, बैड रोड कंडीशन एंड डिम और नो स्टील लाइट्स। मतलब कि ये बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट जो मेन वो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कि बहुत ज़्यादा गाड़ियों की हालत ख़राब है, लोग अपनी गाड़ियों की सर्विस नहीं करवाते, न्यू नहीं लेते, 15-20 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही होती हैं, और जो है कुछ लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, कुछ लोग मोबाइल यूज़ करने की वजह से उन्हें पता नहीं चलता कॉल पे बात कर रहे हो तो उसकी वजह से उनकी डाई हो जाती है। उसके बाद अंडर एज, यानी कि 10-10 साल के बच्चे जो है वो गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, और जो है वो बहुत ज़्यादा क्या नाम है गंदी जो तेज़ चला रहे होते हैं, और क्या नाम है बहुत हल्की लाइट्स, रात के वक्त एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि नज़र नहीं आ रहा होता है, किसी को आंखों का मसला होता है कि रात में नज़र नहीं आता, तो इसी लाइट्स, यानी कि रोड पे लाइट वगैरह भी अवेलेबल नहीं होती, ये जो मेन वजह है जो डेड केसेस की, सही। उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्ट स्टेप देयर लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल्स थ्रू द मीडिया एंड टेयरिंग द
ट्रैफिक पुलिस सो दैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज रिड्यूस, यानी कि कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ इसके हिसाब से एफेक्शन यानी कि कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ स्टेप उठाना चाहिए, और जो है ट्रैफिक पुलिस को क्या नाम है टेयरिंग यानी कि उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए कि ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा रखनी चाहिए कि हर जगह करें हो ताकि हमारी जो कंट्रोल आई इतने लोग ना मरे इतने गलत गलत मतलब ये जाहिर सी बात है उनकी मौत नहीं थी फिर भी वो क्या नाम है किसी ना किसी हादसे की वजह से मर गए। तो क्या होता है इससे और भी ज़्यादा तो किसी की मतलब मरते नहीं तो अपाहिज होता है ना करें कुछ ना कुछ हड्डियाँ टूट जाती हैं बहुत ज़्यादा दर्द होता है इन सारी चीज़ें। तो हमें इन सब से हमें खुद भी फॉलो करनी चाहिए सारी चीज़ें ताकि हम खुद अपनी तरफ से पहल करेंगे तो दूसरा खुद करेगा हमें देखते हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेटर अगर आप इसमें चाहें तो और ज़्यादा एडिशन भी कर सकते हमें भी इसके अंदर कोई रद्दमल निकालना चाहिए, हम ये भी कुछ एक पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। तो ये आपके जहन पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सोचते हो कितना ज़्यादा उसके अंदर इंग्लिश में बिल्कुल सही लिख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी एप्लीकेशन पसंद आई होगी, लेटर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे चैनल प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और प्रोमोट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।